नमस्ते इंडिया, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद मैं यूट्यूब पर ब्लॉग बना रही हूँ। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग सब ठीक हो। तो काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसीलिए टाइम नहीं मिल रहा है यूट्यूब पर ब्लॉग बनाने के लिए। एंड आज सोचा कि एक ब्लॉग बना ही लो। एंड आज वैसा कुछ खास नहीं है, बट एक स्पेशल रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं भी आज फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। तो आप लोग देखते रहिए, एंड वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, एंड जितना हो सके वीडियो को अपना फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव सबके साथ शेयर कीजिएगा। ओके, तो मैं आज क्या रेसिपी बनाती हूँ आप लोग देखते रहिए, एंड मिलते हैं आगे। चलिए तैयारी करते हैं बनाने के लिए। आज का जो रेसिपी है वो मैं बनाऊंगी पालक के साथ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पालक उतना अच्छा नहीं है, जो हो मार्केट में मुझे जो मिला फिलहाल मैं वही लेके आई। एक्चुअली मॉर्निंग ही निकलता है पालक अच्छा वाला, और लोग सारे खरीद लेते हैं तो मिलता नहीं है लेट में जाने से। यहाँ पे मैंने पालक को साफ़ करके धो लिया है अच्छे से, और यहाँ पे मैं गैस पे कढ़ाई अभी मैंने चढ़ा दिया है, थोड़ा सा मैंने पानी दिया है, एंड इसके बाद मैं इसमें पालक ऐड करूँगी। पालक को मैं थोड़ा सा गर्म पानी में उसको थोड़ा सा मैं ये कर लूँगी धो के, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि जो सब्ज़ी है, साग होता है, सब में मेडिसिन यूज़ किया जाता है आजकल। तो अभी जो भी मैं सब्ज़ी खरीद के मैं बनाती हूँ, सारा ऐसे गर्म पानी में थोड़ा सा इसको मैं उबालती नहीं हूँ, बट थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे फिश लिया है, फिश को मैंने अच्छे से धो के साफ करके रखा हुआ है, एंड ये जो है पालक को मैंने पेस्ट कर लिया है, एंड यहाँ पे अदरक लहसुन एंड एक हरी मिर्च का पेस्ट, एंड यहाँ पे प्याज एंड यहाँ पे बेलीफ है एंड एक सूखा मिर्च है। तो फिश को मैं अभी फ्राई कर लूँगी। तेल गरम हो चुका है तो मैं अभी फिश को मैं यहाँ फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे फिश मेरा फ्राई हो रहा है, तब तक मैं मसाला बनाती हूँ। ये जो मेरा पेस्ट है अदरक लहसुन वाला, इसमें मैं अभी ऐड करूँगी हल्का सा नमक। हल्का नमक मीन्स टेस्ट के अनुसार आप लोग यहाँ पे नमक दीजिए, तो मैं भी टेस्ट के अनुसार यहाँ पे नमक दे रही हूँ। एंड अभी मैं ऐड करूँगी यहाँ पे हल्दी। फिर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी जीरा पाउडर। ये जीरा का जो पाउडर है वो घर में बना के रखा हुआ है, एक्चुअली जीरा को थोड़ा सा भून के पीस के रखा हुआ है, तो वो वाला जीरा। एंड हल्का सा मैंने मिर्च पाउडर ऐड किया है, हल्का सा। अभी मैं पानी मिला रही हूँ, पानी मिला के इसको पूरा एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पेस्ट हो चुका है। तो अभी मेरा फिश फ्राई हो गया है, अब उसी तेल में मैं ये जो सूखा मिर्च है, ड्राई चिली, उसको ऐड किया, बेलीफ ऐड किया, हल्का से इसको मिक्स करके दोनों को। अभी यहाँ पे प्याज ऐड कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली वीडियो थोड़ा हिल रहा है, एक्चुअली मेरे एक हाथ में मेरा कैमरा है और दूसरे हाथ से मैं बना रही हूँ। खैर जो भी हो, रेसिपी समझ आने से है। तो अभी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी जो हम लोग का पेस्ट किया हुआ मसाला है वो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ अलग या कोई अलग मसाला मैंने ऐड नहीं किया है, अदरक लहसुन, थोड़ा सा जीरा पाउडर और वही। अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ वो जो मैंने पालक का पेस्ट बना के रखा था, उसको मैं अभी ऐड कर रही हूँ। पालक को थोड़ा सा गर्म पानी में गर्म करके उसको निकाल के मैंने पेस्ट कर लिया। तो अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैंने ढक दिया था थोड़ा सा पानी दे के। अभी देखिए पालक का जो पानी है वो निकला हुआ है अभी तक। अभी अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिक्स करके फिर से ढक देंगे, और गैस का फ्लेम जो है उसको लो रखना है, ज़्यादा करोगे तो जल जाएगा। वैसे भी हरी सब्जी जो है इतना गैस को हाई फ्लेम करके नहीं बनाने से ही सही है, नहीं तो इसका जितना भी प्रोटीन्स विटामिन जितना भी है सारा जल जाएगा। ढक्कन खोल के फिर से मैं एक बार उसको मिक्स कर रही हूँ। अभी जो है यहाँ पे मैं फ़िश ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने दो फिश लिया है,
फिश आप लोग के मनपसंद का फिश आप लोग ले सकते हो, बट ये मेरा ये फिश मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने इसी को लिया। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए गर्म पानी ऐड करने की। गर्म पानी ऐड करोगे तो जल्दी से ये उबलेगा एंड खाने में टेस्ट भी होता है। मैंने इसमें हल्का सा गुनगुना हुआ गर्म पानी ऐड किया है, फिर अभी मैं ढक दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद मैं ढक्कन निकाल के देख रही हूँ, गैस फ्लेम को मैंने लो ही रखा था। अब देखिए ये मेरा फिश का जो रेसिपी है, पालक फिश का जो रेसिपी है, ये हो चुका है। तो मैं अभी गरम गरम भात के साथ, चावल हो रोटी हो, आप लोग ट्राई कर सकते हो, बट फिश है तो ज़्यादा से ज़्यादा राइस के साथ ही अच्छा लगेगा। ये रेडी हो चुकी है मेरी पालक की रेसिपी, आज की रेसिपी। देखिए इसका जो ग्रेवी है, तो ये ज़्यादा मैंने इसको पानी नहीं किया है, इसमें देखिए गाढ़ापन है, थिकनेस है, जो कि मैंने पालक को पेस्ट बना के दिया था तो इसीलिए ये गाढ़ा हुआ है। एंड मैंने ज्यादा पानी ऐड नहीं किया, आप लोग देख चुके हो। तो अभी मैं इसको राइस के साथ एंजॉय करती हूँ, टेस्ट करती हूँ, देन आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा हुआ। आई होप ये टेस्टी हुआ, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है पर मुझे लगता है कि ये टेस्टी हुआ है, तो मैं खा के मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो गाइस, जस्ट मैं लंच करके उठी हूँ एंड जो रेसिपी था फिश का बहुत ही टेस्टी था, आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आप लोग ट्राई नहीं करोगे तो आप लोग को पता नहीं चलेगा, सच में मैंने आज ट्राई किया फर्स्ट टाइम। एक्चुअली ऐसे पालक पनीर बनाया जाता है, पालक पनीर का रेसिपी होता है ऐसे, बट मैंने पालक पनीर नहीं बनाया, मैंने पालक फिश बना डाला आज। तो आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा एंड ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिए एंड ट्राई करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि खा के कैसा लगा। एंड मिलते हैं जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, जिंदगी का मजा लीजिए और खुश रहिए एंड अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आते हैं, बाय।